गुड इवनिंग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो गए, घर पे हो गए, सुरक्षित हो गए। गाइज, सबसे पहले आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। 9 कोर्सेज के रिजल्ट जारी हुए थे अभी। www.luupdate.com पे वो मैं सारा न्यूज़ अपडेट कर दूंगा जो यूनिवर्सिटी से मिला है। नेक्स्ट थिंग, अब बात करेंगे कि 2 कोर्सेज के लिए समस्या हो रही है, BCA के लिए हो रही है और BFA के लिए हो रही है। तो इनके लिए मैंने अभी टेक्निकल हेल्पलाइन से बात किया है, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि अभी इशू को फिक्स कर रहे हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा और नहीं तो कल 10 बजे तक रिजल्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप इन दोनों लोग परेशान होइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भैया रिजल्ट आ गया, अब आगे क्या करना है? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करना है, ठीक है। फीस पेमेंट करोगे तो एक अलॉटमेंट लेटर तुम्हें जनरेट होके मिल जाएगा। भैया हम अपग्रेड करना चाहते हैं, क्या करें? अपग्रेडेशन का मतलब समझा दिए। देखो, सुन लो, अब अपग्रेडेशन का क्या मतलब है। सबसे पहले अपग्रेडेशन का ये मतलब होता है, मान लो तुम्हें कोई कॉलेज अलॉट हुआ, अपलेटेड कॉलेज अलॉट हुआ, अपलेटेड कॉलेज में तुम पढ़ना नहीं चाहते और तुम्हारे पे ऑप्शन लिख के आ रहा है यस अपग्रेड, अपग्रेडेशन पे यस कर दोगे और सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट कर दोगे, तो जो तुमने किया है, मान लो जो तुमको अलॉट हुआ है, वो कॉलेज तो तुम्हारा बचा रहेगा। अगर उससे भी ऊपर कोई अच्छा कॉलेज होगा तो वो तुम्हें अलॉट होगा। जैसे मान लो तुम्हें कोई अपलेटेड कॉलेज अलॉट हुआ है, तुम चाहते हो कि तुम्हें मेन कैंपस मिले, ठीक है। तो अभी तुम्हें यस करके अपग्रेडेशन फीस जो होगी वो तुम्हें पेमेंट कर देना है, ठीक है। पेमेंट कर दोगे तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा वहाँ पे अपग्रेडेशन का जो फीस होगा, तुम्हारी सीट वो कंफर्म रहेगी, जो तुम्हें मिला है वो सीट तुम्हारा कोई नहीं ले सकता। फिर तुम्हें एक मौका मिल जाएगा कि मतलब तुम उस सीट को, मतलब समझ में आ गया, तुम्हारी सीट नहीं छीनी जाएगी और लेकिन और तुम्हारा वो सीट कंफर्म रहेगा, बस अगर चांसेस होंगे तो तुम्हारे सीट को क्या होगा, कैंपस में मिल सकता है। इस तरीके का अपग्रेडेशन का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग बताते हुए ये भी खुशी हो रही है, कम से कम 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ है BCom में www.luupdate.com या LUupdate YouTube चैनल से। तो अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और एक विनती है कि आप लोग कृपया करके अपने जूनियर्स को इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अब पहले इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और कैसे बनवाना है, कहां से बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।